ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। एक मिनट, एक थाना सरसावा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों एक नकुड़ रोड पे जो बंगाली डॉक्टर था, उनके जो क्लिनिक से लगभग 13-13 हज़ार के कैश लूटने के प्रयास कर रहे थे 3 बदमाश, और उससे पूर्व में भी एक बंधन बैंक के कर्मचारी से लगभग 80 हज़ार के ऊपर के कैश 3 लड़कों के द्वारा छीना गया। इन संबंधित घटनाओं में हम लोगों ने थाना सरसावा में मुकदमा लिख के एक स्पेशल टीम गठित किया गया था, जिसमें स्पॉटर सर्विलांस टीम भी थे और एसओ सरसावा की टीम भी थे। इन दोनों टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन दोनों घटना में जो संबंधित जो गठित घटनाओं के जो इन्वॉल्व क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 लोग प्रकाश में आए, भगवानपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं और 1 सरसावा का रहने वाला है। इकबाल नाम के व्यक्ति जो सरसावा का रहने वाला है, वो इन्फॉर्मेंट था, लोकल जो कैश मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता था, और बाकी 3 लोग थे, एक नदीम और एक बूरा और एक कौशल थे। ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले हैं और ये करने के लिए बाहर से बुलाते थे। ये इनके पास एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा की भी है और डिस्कवर की भी है। पूछताछ के दौरान ये पता चला इन लोगों ने ही ये घटना कारित किए हैं। संबंधित कैश लगभग 40 हज़ार बरामद हुआ, इनसे अवैध तमंचा और कारतूस वगैरह बरामद हुआ है और तमाम सामान बरामद हुआ है। पूरा जो ये सफलतापूर्वक के ऑपरेशन के लिए टीम को मेरे द्वारा 10 हज़ार की इनाम दिया जा रहा है, और जो बचा क्रिमिनल है उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। सर, इनके खिलाफ पहले भी कुछ मुकदमे हैं? नदीम के खिलाफ लगभग 10 से ऊपर के मुकदमे हैं, लूट की, डकैती की, इस तरह के मुकदमे हैं। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत।